नमस्कार आपका स्वागत है राजनामा टीवी में आपके साथ कतर की अदालत ने भारत के आठ पूर्व नौ सैनिकों को मौत की सजा सुनाई है एक साल से कतर की अलग अलग जेलों में बंद हैं रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने इस पर हैरानी जाहिर की है उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हम जजे की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं कतर सरकार ने आठ भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है कतर में जिन आठ पूर्व नौसेना अफसरों को मौत की सजा दी गई है उनके नाम हैं कैप्टन नवजेत सिंह गिल कैप्टन सौरभ वशिष्ठ कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा कमांडर पुरेंदु तिवारी कमांडर सुगनाकर पकाला कमांडर संजीव गुप्ता कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागीश कतर की इंटेलिजेंसी एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के आठ पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया तीस सितंबर को इन भारतीयों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने की अनुमति दी गई पहली बार काउंसुलर एक्सेस तीन अक्टूबर को गिरफ्तारी के एक महीने बाद मिला इस दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को इनसे मिलने दिया गया इसके बाद इन लोगों को हर हफ्ते परिवार के सदस्यों को फोन करने की अनुमति दी गई दूसरा कॉन्सुलर एक्सिस दिसंबर में दिया गया इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद